गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास वन में आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू वन। इब्तदाई उर्दू है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट लेसन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट लेसन है हुर्फ तहजी बा तरतीब, उर्दू अल्फ़ाबेट गिवन इन ऑर्डर। उर्दू अल्फ़ाबेट जैसे इंग्लिश में होता है ए से लिख के जेड तक, उसी तरह उर्दू में भी होता है वो लेटर। देखिए आइए जानते हैं ये क्या है। पहला नोट पे हम चलते हैं। इस लेसन को पढ़ने से पहले इससे पहले हम जान लेते हैं कि हुर्फे तहजी क्या होती है और कितने होते हैं। नोट है, उर्दू में हुर्फ तहजी की तादाद 36 होती हैं। ये जो लेटर्स होते हैं उर्दू में हुर्फ, ये अलिफ से लेके ये तक में 36 हुर्फ होते हैं। कितने होते हैं? 36। वेरी गुड। उर्दू में हुर्फ तहजी 36 होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट इंग्लिश में होते हैं 26, 26 लेटर होते हैं ए से जेड तक, उसी तरह उर्दू में अलिफ से लेकर ये तक में 36 हुर्फ होते हैं, जिसे हुर्फ तहजी कहते हैं। हुर्फ तहजी किसे कहते हैं बच्चों? वेरी गुड। हुर्फ तहजी अलिफ से लेके ये तक को कहते हैं, और उसमें कितने वर्ड्स होते हैं? उसमें 36 हुर्फ होती हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो समझ में आ गई, अलिफ से लेके बे पे से ये तक में हुर्फ तहजी होती है। ये जो तीन हुर्फ हैं ये हुर्फ तहजी में शुमार नहीं की जाती हैं, लेकिन हुर्फ का दर्जा रखते हैं, लेकिन ये हुर्फ का भी दर्जा रखते हैं क्योंकि ये बहुत से लफ्ज़ों में ही मदद से बनते हैं, क्योंकि ये हमज़ा नुकुन्ना और हे बहुत सारे लफ्ज़ों को बनाने में मदद करते हैं और इनसे ही बन के बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं देखिए, साइल चाय, मलाई नहीं, उन्हें तुम्हें, धोएं वगैरह, मतलब ETC। उर्दू में हम लोग वगैरह कहते हैं, जिस तरह से इंग्लिश में हम लोग ETC कहते हैं। तो समझ में आ गई हुर्फ़ तहजी। उसके बाद दर्ज बला हुर्फ तहजी में तीन हुर्फ़ इल्लते कहलाती हैं। तीन हुर्फ क्या कहलाती हैं? इल्लत कहलाती है। अब जानते हैं वो कौन से हुर्फ हैं, और वो क्या हैं? अलिफ, वाव और ये। चलते हैं हम अलिफ पे। ये अलिफ, उसके बाद वाव, और फिर ये आ गया ये पे। इसे कहते हैं हुर्फ इल्लत। हुर्फ इल्लत तीन होती हैं और वो होती हैं अलिफ, उसके बाद वाव, उसके बाद ये। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने का तरीका जानेंगे, इसे कैसे पढ़ते हैं और कौन से हुर्फ को क्या कहते हैं। पहला है अलिफ, इसे अलिफ को पढ़ते हैं। बे, पे, ते, टे, से। उसके बाद है जीम, चे। ध्यान रखिएगा कि जी एक नुक्ता होता है और चे के बीच में तीन नुक्ता होता है, इसे चे कहते हैं। हे, वो खाली होता है, और हे जिसके ऊपर में एक नुक्ता रहता है। फिर आता है दाल, डाल, जाल, रे, रे। इन दोनों को रे ही पढ़ते हैं, यह है रे और यह रे, इसको रे पढ़ेंगे। जे, से, सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ। इसे काफ नहीं पढ़ेंगे, इसे काफ पढ़ते हैं, काफ। फिर ये काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये। और इसे बोलते हैं हमज़ा, नुकुन्ना और हे। आम लैंग्वेज में इसे दुचस्मी है भी बोलते हैं। चलिए अब हम इसे लिखते कैसे उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम हुर्फ़ तहजी व तरतीब कैसे लिखते हैं वो लिखने का एक बारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे हम अलिफ, इस तरह से अलिफ। उसके बाद से लिखेंगे बे, फिर लिखेंगे पे,
लिखते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हुर्फ जो लिखेंगे अलीफ बे पे वो सटा सटा कर ज़्यादा घना ना लिखें, उससे हमारा अल्फाज जो है वो साफ साफ नहीं रहे, इसीलिए लिखते टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। उसके बाद लिखेंगे हम ते। नुक्ता का ध्यान दीजिएगा कि अलिफ में कोई नुक्ता नहीं रहता, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन, और ते के ऊपर मतलब बीच में पेट में दो नुक्ता रहता। उसके बाद से लिखेंगे हम टे। टे लिख लिए हम। उसके बाद से लिखेंगे हम से। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे जीम, चे, हे, खे, दाल, उसके बाद से लिखेंगे हम जाल। जाल पे एक नुक्ता रहता है, इस बात का ध्यान देंगे। फिर रे, उसके बाद रे लिखेंगे। जे, जे ही जैसा बिल्कुल सेम से होता है, उस पे हम तीन नुक्ता देते हैं। उसके बाद सीन। सीन लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीन में सिर्फ दो सोसा होता है, एक दो, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद लिखेंगे शीन, उसमें भी बिल्कुल वैसे ही तीन नुक्ते होते हैं और दो सोसा। फिर साथ, उसके बाद जाद, तो, जो, ऐन, कैन, फे, काफ, तो काफ हो गया हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे गाफ। उसके बाद लिखेंगे लाम। फिर आते हैं मीम। मीम, नून, वाव, हे, ये हमारा अलिफ से लेकर ये तक हुर्फे तहजी है। इसमें 36 हुर्फे होती हैं। कितनी हुर्फे होती है बच्चे? 36, बिल्कुल सही। अब हम अलिफ से ये तक तो जान गए, लेकिन हमारा तीन हुर्फ और भी है जिसे हम जानेंगे कि उनको मिलकर उनकी मदद से कैसे कैसे और कौन कौन से अल्फाज नए अल्फाज बनते हैं। तो पहला हमारा हुर्फ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमारा हुर्फ पहला है हमज़ा, उसके बाद है हमज़ा के बाद नुगुन्ना, उसके बाद हे, जिसको दुचस्मी हे भी बोलते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जिसे उर्दू में जैसे बोलते हैं। जैसे हमजा की मदद से कौन से अल्फाज मतलब कौन से वर्ड होते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। साइल, एक और हो गया हमारा लफ्ज साइल। उसके बाद चाय। अब जब हम लिखते रहेंगे अल्फाज तो बीच बीच में अगर हमें बहुत सारे अल्फाज लिखने हैं तो कॉमा देंगे इस तरह से। साई लिख के हम फिर कॉमा दिए, चाय लिखे फिर कॉमा। उसके बाद हम लिखेंगे मलाई, और जब हमारा आखिरी अल्फाज हो तो वहाँ पे हम और लिखते हैं इस तरह से। जिस तरह इंग्लिश में लिखते हैं एंड, उसी तरह उर्दू में लिखते हैं हम और नहीं। तो आप सब समझ गए, हमजा, नून और हे, ये भी हमारा हुर्फ है, लेकिन इसके मदद से भी बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, जैसे कि साइल, चाय, मलाई और नहीं, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं।
तो आज के लिए इस क्लास में इतना है। एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है हुर्फ़े तहजी। ध्यान रखिएगा इस बात को कि हुर्फ़े तहजी में 36 हुर्फ आते हैं। अब घर पे आपको बैठ के ये प्रैक्टिस करना है कि हुर्फ़े तहजी लिखने को आपको आना चाहिए बिल्कुल बिना मदद लिए हुए, अलिफ से लेकर ये तक, और हमज़ा नून और दो चश्मी है के मदद से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं, आपको ये भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहना है और इसे अच्छे से समझना है। अगले क्लास में हम दूसरे सबक पढ़ेंगे, उसके लिए हम देख लेते हैं कि अगला सबक हमारा क्या है। तो अगला सबक है हमारा हुर्फ़ तहजीब तरतीब, तो ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इसे घर से अच्छे से पढ़